हूँ नीलम तिवारी, आप देख रहे हैं सत्यवार्ता टीवी न्यूज। सत्यवार्ता टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कारियोली ग्राम पंचायत में उपसरपंच का चुनाव संपन्न। बिन विरोध उपसरपंच पद पर एकता पैनल के बिलास जोशी की हुई नियुक्ति। बता दें कारियोली ग्राम पंचायत में सरपंच देवराज नाई की उपस्थिति में उपसरपंच का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें बिन विरोध उपसरपंच पद पर बिलास जोशी की नियुक्ति की गई। बता दें नवनिर्वाचित उपसरपंच बिलास जोशी को शुभेच्छा देने के लिए एकता पैनल के अरुण विष्णु पाटिल, संजय परशुराम नाई, लक्ष्मण शुक्रिया पाटिल, छत्रपति कठोर पाटिल, पंडित नाना नाईक, प्रकाश सखाराम पाटिल, प्रेमनाथ शांताराम नाईक और इनके शुभचिंतक, ग्रामस्थ, आजी माजी सरपंच, उपसरपंच सदस्य आदि महिला पुरुष भारी संख्या में उपस्थित रहकर पुष्प गुच्छ देकर शुभकामनाएं दिए। वहीं बिलास जोशी ने सभी का आभार माना। निवर्त बिनविरोध झाल्या हिसाबाने ग्रामपंचायत हद्दीतील जी कामं लखडलेली आहेत ती पूर्ण आणि ग्रामपंचायत समितीचा सदस्य आनंद आव्हाड आणि आम्हाला आव्हाडला यांच्यावर फार अपेक्षा आहे आणि ते नक्की काम करेल आणि आव्हाडसुद्धा काम करणार आहे। मी एकता पॅनलच्या वतीने त्यांना हार्दिक शुभेच्छा देतो पुढच्या वर्षात। कोणाला श्रेय देणार तुम्ही आज ग्रामपंचायतचे उपसरपंच बिनविरोध झाले बिनविरोध? एकता पॅनेल आणि माझे सर्व सदस्य काय विकासचे कामे राहिले ते जे पूर्ण करणार राहिलेत त्यांना आधोर लावून सरपंचांच्या दोरीला काम करणार। इसी तरह सबसे पहले खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।